जानकारी मिली थी बहन जी के गुरु जेपी सागर जी हैं, जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और तो मैंने कहा कुछ लिखा जाए इस पे। तो ये हमारे रचनाकार महोदय हैं और मैं अपनी तरफ से इस गीत को लिखने के लिए भैया को आइए की तरफ चलते हैं। और बहुत ही सुरीला तर और बहुत प्यार से गाऊंगा एकदम, समझ लीजिए पैसेंजर चलती है वैसे चलेंगे, दुरंत तो नहीं बनेंगे। चलो मान लीजिए तरस का बता तो जा ही रहे हर चाल उसकी श्री जंगलेश्वर झगड़ेश्वर महादेव मंदिर समित सराय माली खां, श्री जंगलेश्वर झगड़ेश्वर महादेव मंदिर समित सराय माली खां चौक लखनऊ कीर्तन समिति के तरफ से परम आदरणीय सम्मानी दादा जी के तरफ से 101 रुपए प्रदत्त है और 1 रुपया उधार मिलेंगे कीर्तन सुनने आएंगे तो दे दिए परेशान चूंकि ये दीजिए ना दीजिए वो जरूर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा आयोजन हम करवाते हैं और हम बच्चों के मार्गदर्शक हैं। माता रानी से कामना करूंगा कि आप पर माता रानी और आपके पूरे परिवार पे और पूरी समिति पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम बच्चों को ऐसे ही आशीर्वाद प्रदत्त होते रहे। आइए पुतली का खेला
लकड़ी लकड़ी के देव सुन लो। ध्यान दीजिएगा परम सम्मानीय रचनाकार महोदय जी, कठपुतली का खेला खेले में लकड़ी लकड़ी के देव सुन लो। हरि नाम जिनका लोहे से लेकर के बालू से लेकर के हीरे तक के देवता तब मिल जाएंगे, लेकिन आनंदगंज भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है वो लकड़ी की, इस गाने में विशेष ला रहा हूँ। सही पकड़ी, कठपुतली का खेल खेल में लकड़ी लकड़ी के देव सुन लो। हरि नाम लकड़ी जीत के मरते हैं भाई छत चार, जीत के मरते हैं भाई छत चार, भाई भाई में बिक जाता सामान जिसका। पैसे की जरूरत है और आप कोई चीज अपने गज में भेज रहे हैं तो उसकी कीमत आपको नहीं मिलती। मेरी लाइन साफ कर रही है, पाई पाई में भी ज्यादा सामान इसका। अरे देखो दुनिया वालों, मिट्टी से पैदा होती है और मिट्टी में मिल जाती है, क्या बात है, उसका अंत मिट्टी में ही है। श्रीमान जी बात करके जाऊंगा, कुछ मिलेगा आपको और क्या, केवल तराना नहीं गाऊंगा। चल ही जीवन का दाता बगैर जल के किसी पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और न वो लकड़ी फिर किसी काम में आ सकती है। चल ही जीवन का दाता लकड़ी से रिश्ता नाता, तब खुशी वृक्ष लगाए ज्ञान विधि। एक बात और विशेषता है क्या है, इसमें हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, ये विधि का विधान है। भानु ने खड़ा लगाया वृक्ष, बड़ा ये विधि का विधान है।
अपने जीवन में एक वृक्ष अपने सामने खड़ा करके जाना चाहिए, उसका साइंटिफिक रीजन भी है और पौराणिक महत्व भी है। मेरी पंक्ति कह रही है, खुशी वृक्ष लगाया सामने। अब श्रीमान आदरणीय सम्मानीय श्री कल्पना जी आपके सामने प्रस्तुत हो रही, अगर कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ समय विशेष लग गया होगा, क्षमा करिएगा। आइए, तब तक के लिए सभी श्रोता बंधु बने रहिएगा, जितने हैं उतने बहुत। आइए साउंड वाली भैया सीटी, ये देखिए ढोलक में आ रहा है, ये देखिए। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपकी तरफ से आया है, क्या है ना है, अरे दुनिया का मेला। क्या बात है थे? तो हम ज्यादा नहीं लेंगे समय, आइए गीत की ओर चलते हैं। आपने अपने गीत में दिखाया कि कठपुतली का खेला, बहुत ही प्यारा सा गीत लेके आए हैं कि कठपुतली का खेला, और खेले में लकड़ी, खेले में लकड़ी और लकड़ी के पेड़, सुन लो हरी नाम जिनका। ये था आपका गीत, यानी आपने अपने कठपुतली में एक सीख दी है कि एक वृक्ष सबको लगाना चाहिए। लेकिन आइए जब आपने प्रयास है अगर वृक्ष लगाना चाहिए तो प्रभु का नाम भी पावन है और प्रभु का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों में भी अगर सच्चे दिल से माना जाए तो ईश्वर की छवि नजर आता है, क्योंकि बिना उनकी इजाजत के एक पत्ता भी नहीं मिल सकता, बिना उनकी इजाजत से एक पत्ता भी नहीं मिल सकता। तो आइए प्रभु का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अगर चाहे तो राई को पर्वत बना दे और पर्वत
क्या बात है? जैसे कि आपने कठपुतली का खेल दिखाया है, तो इधर भी सुनिएगा, कहना है क्योंकि जो उस कठपुतली को नचाता है वो परमपिता परमेश्वर है। क्योंकि बिना कठपुतली ईश्वर के आशीर्वाद से वो भी नहीं नाच सकता है, इसलिए यह लेना है। क्या बात है? कहना है करे गिर को राई और राई राई रघुराई। कौन राई राई? वो रघुराई नाम जिनका आधा आधा जी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जवाब नहीं है जब सटीक जवाब मिले। कहना है करे गिरे दाई 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 नाम जानो रघुराई नाम जानो, जो कि राई को पर्वत बना दे, पर्वत को राई बना दे। ऐसे जवाब लाओ। ये था आपके कटफीस का जवाब।